बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय आर्ट बर्डीज़, होप यू ऑल आर ओके। अच्छा, आज मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ काफ़ी 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 टाइम के बाद। जिस तरह सब पूछ रहे थे कि कहाँ गायब हो, कोई वीडियो ऐड नहीं करी, ना इंस्टाग्राम पे ना फेसबुक पे हो। सो मैंने आर्ट का काम कुछ अर्से के लिए कट ऑफ किया था, ना मैं कुछ सेल कर रही थी, ना मैं कोई यूट्यूब के लिए वीडियो बना रही थी। सो मेरी शादी के बाद से मैंने अपना सामान पैक किया और सब कुछ स्टोर में सेव। उसके बाद बेबीज़ की मसरूफियत ऐसी हो गई कि मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता बेबीज़ के साथ कि मैं कोई वीडियोज़ बनाऊँ अलग से बैठूँ। और फिर यह कि मेरे बेबीज़ छोटे हैं तो वो बनाने भी नहीं देते, साथ छेड़ते हैं हर चीज़ को। इससे पहले भी एक वीडियो मैंने काफ़ी अर्से के पहले बनाई थी जब मेरी छोटी बेटी के साथ, जो आप उसमें भी देख सकते हैं, वो बार बार आके मेरे पेंट्स छेड़ रही है, हर चीज़ कर रही है। और आज जब मैं ये करने बैठी हूँ, ये अपने बेबीज़ को दोनों को सुला कर अब मैं बैठी हूँ रात 2 बजे वीडियो बनाने। मेरा इरादा था कि मैं सुबह लाजमी वीडियो को अपलोड कर दूँगी, एडिट करके अपलोड, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि मैं एडिट भी नहीं कर सकी, इतना इसको अपलोड नहीं कर सकी। सो अब मैं एडिट करने बैठी हूँ कि मैं इसको अपलोड करूँ जल्द अज़ जल्द, इससे पहले कि अगस्त का महीना ही गुजर जाए। 14 अगस्त तो गुजर गई, 2 अगस्त का महीना भी गुजर जाए तो मैं कल किस टाइम। अब ये है कि ये मेरी बेटी का ड्रेस स्टिच किया था मेरे इसके नाना बुने, तो मुझे था कि साथ प्यारा ऐसा कोई दुपट्टा हो, और मैंने बाज़ार से कोई दुपट्टा नहीं लिया। अब ये घर में मेरे पास पड़ी थी नेट, उसको मैंने मम्मा से दुपट्टे की शेप में कट करवाया, उसके साइज़ के हिसाब से दुपट्टा किया, और अब मैं उसको कर रही हूँ डिज़ाइन घर में। तो मैं कुछ डिफरेंट चाह रही थी कि बाहर से मैंने इसका ड्रेस भी नहीं खरीदा था, मैं कुछ डिफरेंट चाह रही थी। और दुपट्टे भी बाहर से आपको पता है सेम मिल जाते हैं नेट के, बहुत प्यारे प्यारे भी मिल रहे हैं, लेकिन मैं चाह रही थी कि मेरी बच्ची के ड्रेसिंग डिफरेंट हो। सो इस टाइम भी मैं बैठी हूँ, जैसे मैं आपको बता रही थी कि बच्चों के साथ काम करना है ना एक मुश्किल टास्क है, जो आप लोग भी, मुझे पता है मेरे फ्रेंड्स आप सब के भी बेबीज़ हैं, बच्चे हैं, तो आप लोग भी ये समझ सकते हो कि शादी के बाद बच्चों के साथ काम करना कितना टफ टास्क हो जाता है। तो इस टाइम भी रात 2 बजे मैं बैठी हूँ, लेकिन इस टाइम मेरी भतीजी मेरे साथ बैठी है। कहती थी कि भाई चाची मैंने तो आपके साथ ही करवाना है सब कुछ, तो मेरे साथ कहीं कहीं पर आपको फील भी होगा, कहीं पर वो दुपट्टा खींच रही है, कहीं पर फॉर्मिंग शीट खींच रही है। तो वो कैट्स के भी मैंने साथ, नींद से उसकी आंखें बड़ी हैं, लेकिन उसका यही था जिद के भी मैं सोना नहीं, जब तक चाची नहीं सोती मैंने नहीं सोना। वो इस टाइम बैठ के मेरे पास उसने देख लिया मुझे कि भाई चाची कुछ करने लगी हैं, मेरे पास बैठी वो अब मुझे हेल्प आउट करवा रही है। तो ये देख लिया दुपट्टा उसने नीचे खींच के फेंका। तो बच्चों के साथ जो मदर्स करती हैं, हैट्स ऑफ के भाई आप में से कितनी, मैं जानती हूँ मेरी फ्रेंड्स भी हैं मैं मदर्स हैं जो साथ वीडियोस भी अपलोड कर रही हैं, साथ अपना घर भी देख रही हैं, साथ बच्चे भी देख रही हैं, तो हैट्स ऑफ टू देम। अच्छा, अब मैंने ना हर चीज़ घर से निकाली, आप भी मेरी चीज़ें देख के परेशान ना होंगे भी कैसी की सीज़र यूज़ करी क्या, क्योंकि मेरा बॉक्स सीज़र और जो जितने चीज़ें थी ना वो मुझे मिल रही थी रही। रात 2 बजे मैं स्टोर में गई ढूंढा, लेकिन जितना जो चीज़ मुझे मिली मैं वो उठा के ले आई। मैंने कहा चलो स्टार्ट कर देते हैं, अगर मैं इस चीज़ में रही ना कि हर चीज़ मैं अपनी नहीं निकालूँ तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा। तो अब मैंने फोमिंग शीट ग्रीन कलर की, शुक्र है टाइम पे मुझे घर से मिल गई। सो उसको मैंने कट किया है चांस तारा कट करके, बहुत इजी सा दुपट्टा है। आप एक नेट लें वाइट कलर की, उस पर अगर आप ग्रीन कलर की लेना चाह रहे हैं ग्रीन नेट ले लें, उस पर आप वाइट फोमिंग शीट से डेकोरेशन कर लें। मैंने वाइट नेट ली थी क्योंकि मेरे बेबी का ड्रेस ग्रीन है, तो मैंने चांद सारा फॉर्मिंग शीट पे ड्रॉ करके उसको कट किया। उसके नेम का लेटर आ जैसे आप देख सकते हैं जी, मैंने वो कट करके उसको UHU से पेस्ट कर दिया। सो अब मेरे पास मौजूद हैं पर्ल्स, क्योंकि मैं चार चीज़ बिल्कुल सिंपल लग रहा, फिर मैंने अपना बॉक्स खोला जिनमें पर्ल्स हैं। सो ये हाफ़ पर्ल हैं, वाइट हाफ़ पर्ल, उनको मैंने अटैच किया है इसके साथ USU के साथ, उन पर थोड़ी थोड़ी सी कहीं कहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं मैं करना चाह रही थी और बहुत सिंपल भी नहीं थी रखना चाह रही। सो उससे मैंने इसको डेकोर किया है थोड़ा सा जी। अभी मैं आपको पास से दुपट्टा भी दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। सो अभी थोड़ा सा चांद तारा, थोड़ा सा मुझे एक प्यारी सी बटरफ्लाई कर मिल गई थी छोटा सा, वो मैंने लगाई है। सो ये बहुत ही प्यारा दुपट्टा रेडी हो गया था। अगर आप भी चाहें कि भाई हमारी बच्ची डिफरेंट लगे, कुछ अलग लगे, सो आप भी घर में कर सकते हैं। आम भी ये घर में कोई भी कर सकता है, इतना इजी तरीके से मैंने इसको बनाया है कि कोई भी कर सकता है। सो थोड़ी थोड़ी सी डेकोरेशन पर्ल से कहीं कहीं पे मैंने डाले हैं पर्ल, जैसे आप देख सकते हैं सितारे के ऊपर मैंने थोड़ा सी लगाई है, थोड़ी सी मैं ये चांद के ऊपर लगाऊंगी। मैंने टोटल उसको आउटलाइन नहीं दी कि बहुत ज़्यादा हैवी लुक भी ना हो जाए, आउटलाइन मैं सारी टोटल पर्ल्स की दे दूँ तो बिल्कुल हैवी बच्ची ने पहनना तो हैवी है, थोड़ा सिंपल भी रहे और थोड़ा एलिगेंट भी रहे।
इंशाल्लाह ताला अब आगे से भी मैं वीडियोस अपलोड इंशाल्लाह ताला करती रहूँगी, आपके साथ शेयर करती रहूँगी आर्ट के काम, क्योंकि यह है कि आर्ट मेरे लिए, अब किसी के लिए मुझे नहीं, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि ये एक थेरेपी है, पेंट्स स्पेशली पेंट्स, और पेंट्स अगर आप थोड़ी ही देर के लिए भी, अगर 10 मिनट्स भी दे देंगे ना, ये आपके लिए थेरेपी की, माइंड रिलैक्सेशन हो जाएगी आपकी। तो अगर कोई मतलब चाहते हैं कि भी मैं बच्चों के साथ बहुत स्ट्रेस में आ रही हूँ, हर चीज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा टाइम निकाल लें, आप 10 मिनट निकाल लें, 15 मिनट निकाल लें, आप कुछ पेंट लें उनको, आप कोई भी पेपर लें उन पर आप करें, आपका माइंड बहुत रिलैक्स हो जाएगा। अच्छा, इस पर आप देख सकते हैं चांद पे जिस तरह से मैंने ये सिर्फ वो हाफ पर्ल्स अलग भी मिलते हैं, वो नहीं थे लिए, वो भी मौजूद थे मेरे पास, लेकिन मैंने लिया लड़ी सी जो मिलती है पूरी लड़ी, ताकि मैं इजीली जल्दी जल्दी से काम अपना कंप्लीट कर सकूं। तो मैंने साथ साथ कट करती रही हूँ उसको लगा कर। अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर छोटी सी प्यारी सी बटरफ्लाई, ये यहाँ पर मैंने बटरफ्लाई स्टार चांद के ऊपर लगाई है। और अगर आप अपने बेबी का नेम कट करके दूसरी तरफ, एक तरफ एक पल्ले पे मैंने इसके लगाया है चांद स्टार, और एक पल्ले पे मैंने जेड लगाया है। तो अगर आप सिर्फ चांद स्टार लगाना चाहते हैं तो एक तरफ, और अगर आप फुल चाहते हैं कि भी मैं फुल दुपट्टे को डेकोर करूँ, तो आप छोटे छोटे सितारे लगा काट करके इससे कहीं वो भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो जिस तरह की लुक जो चाहता है, जिसको जैसे मुझे सिंपल चाहिए थी, मैंने थोड़ी सी सिंपल रखी है, और ये पहना हुआ बहुत प्यारा लग रहा था दुपट्टा, जो कि इसने लिया बहुत कम है, क्योंकि अभी वो 1.5 ईयर की है, सो बहुत वो इतना चीज़ें वेयर करना पसंद नहीं करती, ना पोनी लगाना ना दुपट्टे, और ये चीज़ें फेंक देते हैं, सारे छोटे बच्चे यही सब करते हैं, तो वो भी पसंद नहीं करती। बस सिर्फ मैंने थोड़ी देर के लिए उसको दिया, और वो उसके बाद नहीं पता होश के दुपट्टा कहाँ है, तो बाकी चीज़ें कहाँ हैं। अच्छा, ये छोटी सी प्यारी सी, इसके ऊपर छोटे छोटे से प्यारे से नग भी हैं, ये अभी आपको मैं पास से दिखाऊंगी, तो आप देख सकेंगे कितनी क्यूट बटरफ्लाई है। तो अच्छा, आसपास का माहौल भी इग्नोर करें कि क्या सीधर बढ़िया, तो आप मेरे दुपट्टे पे ध्यान दें। जब आप पास से देख सकते हैं, मैंने फुल ना सितारे को फुल डेकोर किया और ना उसको, और जी भी देख सकते हैं, सिर्फ मैंने दो तरफ ही थोड़े थोड़े से पल्स ऐड किए हैं, जो कि बहुत खूबसूरत और एलिगेंट लगे थे। सो ये दुपट्टा आई थिंक हाफ और लगा मुझे, या फिर 1.5 और लगा होगा उसमें रेडी, और ये आप देख सकते हैं दुपट्टे की लुक, माशाल्लाह से मेरी बेटी ने जब वेयर किया ये ड्रेस और दुपट्टा, उसकी लुक आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा था। अच्छा, डोंट सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।